हे गाइस, आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे डायफ्रेम्स के बारे में, जो कि ईटीएफ्स में आप देखते हो कि बार बार या फिर स्टैंड में भी देखते हो मास्टर स्लैब के नाम से कि बार बार हम यूज करते हैं। ये डायफ्रेम का यूज क्या होता है, अगर किसी ने इंटरव्यू पूछ लिया तो क्या बताओगे? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं ये डायफ्रेम का लफड़ा क्या है। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटोकैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करें। सबसे पहले डायफ्रेम है क्या? तो डायफ्रेम एक तरीके का हेल्पर है। क्या है? एक तरीके का हेल्पर है जिसको हम लोग छोटा बॉडीगार्ड मान सकते हैं। छोटा बॉडीगार्ड मतलब करता क्या है, ये दो तरीके का काम करता है। एक तो रजिस्ट करने का काम करता है, दूसरा ट्रांसफर करने का काम करता है। अब रजिस्ट कैसे करता है? रजिस्ट करता है जो भी हमारा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, जो भी हमारा एक्सियल लोड आ रहा है, जो भी हमारा डिफ्लेक्शन है, सबको रजिस्ट करने का काम करता है। ठीक है, आप कभी भी डायफ्रेम को बिना लगाए बिल्डिंग को देख लेना और फिर डायफ्रेम को लगाने के बाद देखना, रिजल्ट में बहुत डिफरेंस मिलेगा। इसलिए डायफ्रेम आपको स्ट्रक्चर्स में लगाना चाहिए। तो इस चीज को समझ जाओ। तो डायफ्रेम को लगाने सिर्फ इतना ही नहीं, डायफ्रेम को लगाने से देखो कई ढेर सारे बिल्डिंग में ऐसा होता है कि सभी बिल्डिंग बना रहे हो, डिजाइन करते टाइम कई चीजें हम लोग छोड़ भी तो देते हैं। जैसे कि आप देखते हो क्लैडिंग वगैरह है, अब क्लैडिंग वगैरह को डिजाइन तो नहीं करते ना, तो उसका जो लोड है, कभी कभी हम लोग बीच बीच में से जरूरत पड़ता है कि यार यहाँ पे ब्रेसिंग लगा दो तो अच्छा रहेगा, एक्स्ट्रा ब्रेसिंग्स लगा दिया, उनका लोड कौन ट्रांसफर कर रहा है? तो ये सब रजिस्ट करने का काम कौन करता है? ये सब रजिस्ट करने का काम ये भाई साहब करते हैं जो कि डायफ्रेम है। डायफ्रेम दूसरा क्या काम करता है? दूसरा काम करता है ट्रांसफर करने में, मतलब मदद करता है ट्रांसफर करने में। मदद से याद आया, मदद कुछ इस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कुछ सामान उठाने से पहले अगर सिर पर रखना है उस सामान को, तो एक छोटी सी कैप बना लीजिए, कैप बना कर रखते हैं ना, जो ब्रिक वगैरह जो लेबर देखते हो साइड पर लेके जाते हैं, तो क्या करते हैं ऊपर एक ब्रिक की एक कैप बना लेते हैं, उसके ऊपर ब्रिक रखते हैं, तो क्या हो जाता है, ईजी ट्रांसफर हो जाता है। सेम वही काम डायफ्रेम का भी है। डायफ्रेम क्या करता है? डायफ्रेम सबको बांध के रखता है। ठीक है, जो हमारे हॉरिजॉन्टल इफेक्ट्स आएंगे, जो लैटरल इफेक्ट्स आएंगे, उनको बांध के रखता है। जब बांध के रखेगा तो उसे क्या होगा, इफेक्ट्स कम आएंगे। अगर आप, मैं ऐसे खड़ा हूँ और मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे खड़ा हूँ और खड़े होकर ऐसे आराम से तुमसे बात कर रहा हूँ, और इसी टाइम पे कोई आया मुझे धक्का दे दे, मैं फट से गिर जाऊंगा, राइट, वीडियो बांध नहीं जाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन अगर यहीं पर मुझे कोई बता दिया कि यार आपको कोई धक्का देने आ रहा है, मैं एकदम स्ट्रेट हो गया, आओ देखते हैं, अब क्या हुआ, अब मेरा परफॉर्मेंस अलग हो गया ना, मेरी डिफॉर्मेशन अलग हो गई, मेरा सीयर अलग हो गया, मेरा मोमेंट अलग हो गया, सब चीजों में मैं अब अच्छा रिजल्ट दे पाऊंगा। क्यों? बिकॉज मुझे पता चल गया कि कोई आ रहा है। तो डायफ्रेम इसी को बोलते हैं। डायफ्रेम से क्या हो जाता है, जो बिल्डिंग होती है वो समझ जाती है कि हमारे पास कोई इफेक्ट आएगा तो हमें लड़ना है साथ मिलकर, तो सारे एलिमेंट्स को एक करने का काम डायफ्रेम करती है। इससे क्या होता है, इससे लोड ट्रांसफर होना इजी हो जाता है, मतलब कॉलम का लोड बीम पर, बीम का लोड हमारा स्लैब का लोड बीम पर, सॉरी उल्टा बोल गया, तो मतलब हमारा जो स्लैब का लोड है वो बीम पर, बीम का जो लोड है वो कॉलम पर, कॉलम का लोड है वो फुटिंग पर, सही तरीके से ट्रांसफर कर पाता है। ठीक है, देखो हमेशा कभी भी ट्रांसफर किस किस फॉर्म में आता है, तीन फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं बिल्डिंग पर लोड। कौन कौन से फॉर्म में? पहला फॉर्म होता है जो कि आराम से ऊपर से आता है वर्टिकल से। ठीक है, एक दूसरा जो लोड का इफेक्ट आता है वो किधर से आता है, वो आता है हॉरिजॉन्टल से, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और तीसरा आता है कहाँ से, फाउंडेशन से, सब जाके कहाँ जाते हैं, फाउंडेशन। इन तीनों को कंट्रोल करने का काम डायफ्रेम करता है। इसलिए डायफ्रेम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है फॉर एनी आरसीसी बिल्डिंग्स। तो आप चाहो तो रिजल्ट मैच करके देख लेना, फिर कमेंट करना कि हाँ सर, उससे पहले कहीं पर देखना, उससे पहले जो डिफ्लेक्शन आ रहा था उसके बाद का जो डिफ्लेक्शन आएगा, उससे पहले जो एक्सियल आ रहा था उसके बाद का एक्सियल देखना, उसके पहले जो सीयर आ रहा था उसके बाद का सीयर देखना, डायफ्रेम से बहुत डिफरेंस होता है। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोग डायफ्रेम बीम्स पे लगाएं कि स्लैब पे लगाएं कि कॉलम पे लगाएं? तो डायफ्रेम केवल आप सेल्स पे लगाओ, सबसे बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। कहाँ पर? सेल्स पे, सेल्स मतलब स्लैब पे, स्लैब को सेलेक्ट करके उसकी डायफ्रेम देखो क्या ऐसे बन जाता है। डायफ्रेम जिसने भी लगाया होगा, मैंने भी बैच में पढ़ाया हुआ है, तो जिसने भी लगाया होगा उसको पता है कि डायफ्रेम क्या होता है। तो समझ में आया, डायफ्रेम दो तरीके का काम करता है। कोई इंटरव्यू पूछे लगा दो उसकी, कैसे, एक रजिस्ट करने का काम, दूसरा ट्रांसफर करने का काम। रजिस्ट किसको करता है, सीयर को, सीयर को, एक्सियल को, बेंडिंग मोमेंट को, और जो हमारा जो डिफॉर्मेशन आते हैं डिफॉर्मेशन को, ये रजिस्ट करने का काम, प्लस क्लैडिंग का जो लोड आ रहा है, प्लस जो हमारा
हॉरिजॉन्टल इफेक्ट्स के थ्रू जो लोड आए उन सबको रजिस्ट करने का काम करता है और ट्रांसफर करने का। होप आपको समझ में आ गया होगा। डायफ्रेम बहुत छोटा टॉपिक है बट लोगों को पता नहीं रहता कि इसको यूज क्यों करते, पढ़ तो लेते ही डैप बट पता कब होगा कि जब ये यूज में क्यों आता है। दूसरी किसी भी कमांड या फिर किसी भी टूल या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो। आजकल मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बार बार लोगों से, तो इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ कौन उसका सही आंसर देता है। आप बताओ हमें कि हम पी डेल्टा एनालिसिस क्यों करते हैं। जो भी आपका आंसर है नीचे कमेंट करना। अगर आप सही होगा आपका कमेंट तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम लेके बताऊंगा भी कि इन भाई साहब ने एक बेहतरीन काम किया है। आपको जो भी आता है ऐसे जरूर नहीं कि सब सही हो, तो पी डेल्टा एनालिसिस का कमेंट करके बताना कि क्या होता है। मिलता है श्रेष्ठ वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और ये स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को ऐसे ही आप लोग जल्दी से मोटिवेट करते रहिए। हम लोग बहुत जल्दी 100 तक पहुँचेंगे। थोड़ी लंबी सीरीज है।